नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क। अगर आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी, मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जनसंख्या में भाजपा सभी वर्गों का ख्याल रखेंगी। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी MIAI पदाधिकारियों को दूसरी सूची जारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जनगणना में भाजपा सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे। देश में जनगणना 2024 में होने की उम्मीद है और इसके आंकड़े 2026 तक उपलब्ध हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसी बार जनगणना में कई नए पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसी जनगणना में कई नए सवालों को विकल्प को जोड़े जाने की भी योजना बनाई जा रही है। और साथ ही खबरों की माने तो यह पहली बार होगा जब जनगणना में संप्रदाय से संबंधित सवाल पूछे सकते हैं। कहा जा रहा है कि लोगों ने उनके संप्रदाय से जुड़ी जानकारी देने को आग्रह किया। उदाहरण है कि कर्नाटक में लिहाजा समुदाय को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसे एक अलग अलग सदस्यों के रूप में भी पहचाना जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी AIAS की। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी AIAS। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने के लिए लेकर राज्य में चुनावी अग्रामी जोरों शोरों पर है। ऑल इंडिया मैजिशियन इतिहास में मुस्लिमों के AIADN के राज्य में 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के राज्य में नामांकन के आखिरी दिन 19 अक्टूबर को इसकी घोषणा की। IAS ने पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर पार्टी की तरफ से पोस्टर भी जान दोनों में से तीन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 187 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसी सूची में शामिल नेताओं को लेकर पार्टी में भीतर विरोध उठाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दो पार्टियों की दुर्भक्ता में जिम्मेदारियों की तरफ से कार्यकारी में शामिलता करने का आरोप लगाया। इसी तरह की नाराजबाजी और नेताओं को भी मिली। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है मिनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।